टाइटल एंड थंबनेल पढ़ के मुझे गाली देने से पहले ओ जरा सबर करो। अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को वेल्ले कहना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं मैं भैया, आप में से मेजोरिटी ऑफ द लोग वेल्ले हो। गजब बेइज्जती है। नीट क्रैक करके MBBS में एडमिशन लेना है, लेकिन भैया हम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई जादू मंत्र हो जाएगा एंड बाद में कैसे भी करके रैंक आके एडमिशन मिल जाएगा। तो भैया देखो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ओके चलो बता देता हूँ। देखो ये लास्ट के एक मंथ में कैसे भी आप कर लो, आपका रैंक कोई 1 लाख से ऑल इंडिया रैंक 1 तक नहीं पहुंचने वाला है। बट यस, ये वीडियो में आपको दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ गाइडेंस दूंगा, जिसके बाद आपका रैंक एटलीस्ट डबल से भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। वेल्लेपन की अलग अलग कैटेगरीज है भैया, उसमें से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो भी एक बार देख लो। ओके okay. आप लोग इतने वेल्ले हो कि आपने यूट्यूब को भी व्हाट्सएप बना दिया है। क्या बात करता है यार? कोई कमेंट करता है लव फ्रॉम अहमदाबाद तो नीचे 4-5 कमेंट और आ जाती है आई एम ऑल्सो फ्रॉम अहमदाबाद, वेयर आर यू एग्जैक्टली फ्रॉम अहमदाबाद, अरे भैया क्या आप शादी करोगे एक कमेंट पे, फिर अपने बच्चों से बोलेंगे हमारा लव दर्शन सर के कमेंट सेक्शन में स्टार्ट हुआ था। मतलब किसी लड़की ने अगर गलती से भी कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लिया तो फिर बात ही खत्म। उसका रिप्लाई देने में लड़कों की लाइन लग जाती है भैया। किसी ने नीट के रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो फिर अगेन बात खत्म। तुम्हारा नीट का सिलेबस कितना खत्म हुआ है, कब रिवीजन स्टार्ट करोगे, कौन सा कोचिंग लिया है, कैसी पढ़ाई चल रही है, मुझे टेंशन आ रहा है, मुझे खाना पसंद नहीं आ रहा, मुझे टट्टी नहीं आ रही। मतलब नेक्स्ट लेवल चैटिंग होती है भैया यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। इतना सारा टाइम कैसे मिल जाता है भैया मुझे भी बता दो, मेरे पास बहुत ही शॉर्टेज है टाइम की, वो भी तब जब आपके नीट के एग्जाम को सिर्फ 1 महीना बाकी है। इतना ज्यादा टाइम पास कर रहे हो आप इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ट्रैवल स्टोरीज, बर्थडे स्टोरीज, मैरिज स्टोरीज। मुझे पता है आपके रील्स के फोल्डर्स में थाउजेंड्स ऑफ रील्स सेव्ड है, एंड वो 1000 सेव करने के लिए पहले आपने 1 लाख से भी ज्यादा रील्स देखी हुई है। मतलब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा टाइम आपने वेस्ट किया है उसके पीछे, इंस्टाग्राम ग्रुप्स, चैट्स, पोजेस, फॉलोअर्स, मतलब क्या क्या। छोड़ दो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये 1 साल या फिर ये पूरे के पूरे 2 साल ये सब कुछ बंद करके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा अगर MBBS चाहते हो तो। आई अप्रिशिएट योर लव फॉर जिन्यून कंटेंट ऑन यूट्यूब, बट आई विल नॉट अप्रिशिएट सो लेजी बिहेवियर ऑन यूट्यूब। इतना यूट्यूब को या फिर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देना है भैया। अच्छा, हमको सिखा रहा है? नहीं नहीं, सीखा नहीं रिया हूँ, बता रिया हूँ। पर्टिकुलरली तब जब आपके लाइफ के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग गियर्स आपके हाथ से निकल रहे हैं, एक एक सेकंड एंड एक एक काम आपका रैंक 1000 में डिक्रीज कर सकता है भैया। बात तो सही है, एंड आप लोग ये चीज हर एक मेडिकल यूट्यूबर के चैनल पे कर रहे हो, आप खुद देखना कि आप यूट्यूब पे कितना टाइम पास करते हो एक दिन में। मतलब मेरे चैनल पे तो मान लो चलो ठीक है जिन्यून कंटेंट मिलता है, लेकिन क्रिंज कंटेंट पे भी आप इतनी सारी कमेंट्स जान लगा के ठोकते हो भैया, एंड आप लोगों को इस उम्र में पता ही नहीं है कि क्या चीज सच में जिन्यून है एंड क्या चीज क्रिंज है, जिसके पीछे आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर टोटली टेम्पररी होता है भैया, एक बार सिर्फ रैंक ला दो फिर देखो ना चाहते हुए भी लोगों का अटेंशन आपको सामने से मिलेगा। एक बार सिर्फ MBBS में एडमिशन मिल गया ना भैया, फिर आपको किसी भी YouTube के कमेंट्स में टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने से रिस्पांस आएगा लोगों के आपके लिए। मैं जब 11th 12th में था तब Facebook क्या था वो भी मुझे पता नहीं था, Instagram तो इवन मेरे फाइनल ईयर MBBS में जब मैं आया तब मुझे पता चला। मेरी 12th का जब रिजल्ट आया था तब मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई ये FB पे तो डाल, तब मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसी कोई चीज़ है Facebook जिस पे लोग अपनी खुशी या फिर दुख वर्चुअली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इवन अभी 2-3 साल पहले जब मैंने नीट PG एंड जिपमेर क्रैक किया तब भी एग्जाम के पहले वाले 6 महीने में मैंने Facebook को टोटली अनइंस्टॉल कर दिया था, सिर्फ महीने में 1 या 2 बार उसको ओपन करता था, वो भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर अपडेट के लिए, एंड वो भी क्रोम में, एप्लीकेशन तो मेरे पास थी ही नहीं उस टाइम पे। सेम वॉज फॉर YouTube, टोटली क्लोज ड्यूरिंग प्रिपरेशन। Instagram तो मैंने अभी नीट PG का रिजल्ट आया उसके बाद स्टार्ट ही किया है, MS में मेरा एडमिशन हुआ तब। भैया काले पानी की मजदूरी करनी पड़ेगी ये लास्ट के 1 मंथ में, एक कमरे में बंद हो जाओ एंड रात दिन बस पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है आपको पता ही है? अरे मेरे को क्या मालूम। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, आप Bezidia यूज कर सकते हो जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है एंड आप में से बहुत सारे लोगों को पहले पसंद भी आया था। ये एप्लीकेशन इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, टॉप नेशनल लेवल फैकल्टीज के लेक्चर्स, NCERT बेस्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, स्टिल क्रिस्प एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड बट इनफ MCQs एंड नेशनल लेवल मॉक टेस्ट, साथ में लास्ट मिनट रिविजन कीज, MCQ ऑफ द डेज, नेमोनिक्स, डेली ट्रैकिंग ऑफ योर परफॉर्मेंस, कितने मॉड्यूल्स किए हैं एंड कितने मॉड्यूल्स बाकी हैं, जो बाकी है उसको खत्म करने के लिए मोटिवेशन। या 720 में 720 लाने के लिए इतना ही चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अभी लास्ट के 1 मंथ में एप्लीकेशन में दिए गए हाई यील्ड कीज एंड कस्टम टेस्ट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। उनकी लेवल अप मॉक सीरीज का मॉक टेस्ट 5 भी अभी लाइव हो रहा है, ये टेस्ट आपके रैंक का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करके बताएगा जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड टेस्ट देके आप एक बार उसका ब्यूटीफुल एनालिसिस देखना,
आप उसके फैन बन जाओगे। अच्छा लगे तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट बाय अप्लाइंग द कोड DRDP10। एक बार डाउनलोड करके जस्ट यूज करना स्टार्ट करो, यू विल श्योरली लव इट। सर हमें आपके जैसा बनना है, आप हमारे आइडियल हो, आप हमारे रोल मॉडल हो। भैया सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे कमेंट करता है। मतलब किसका सपना नहीं होता कि कोई उन्हें रोल मॉडल मान रहा है, कोई उनके जैसा बनना चाह रहा है। एक बहुत ही प्लेजर की बात है एंड उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। बट मुझे ये बताओ कि सिर्फ कमेंट्स में लिखने से आप मेरे जैसे बन जाओगे? लिखो, डायरी में लिखो, कमेंट्स में लिखो, हर जगह पे लिखो, आपका गोल लिखो, आपका रोल मॉडल लिखो, सब कुछ लिखो, लेकिन साथ में मेहनत भी तो करो भैया। दर्शन सर तो एक अलग ही लेवल पे है। अच्छा, लेकिन आप अपने आप से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि ये मैं क्यों नहीं, दर्शन सर के जैसा मैं क्यों नहीं बन सकता, एंड अगर बन सकता हूँ तो कैसे एंड क्या क्या करूँ? मेरे लिए प्यार ठीक है, मज़ा आता है मुझे, लेकिन मेरी जगह पे आप क्यों नहीं हो भैया? इवन एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ मैं तो डॉक्टर भी बन गया, एम्स से सर्जनों के पास आउट भी हो जाऊंगा अभी। क्या कमी है डॉक्टर बनने में बताओ? फिर भी क्यों इतनी ज़्यादा मजदूरी करके आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ? रात को 2-2 बजे आके वीडियो शूट करता हूँ, हॉस्पिटल में 5-10 मिनट के ब्रेक में वीडियोज अपलोड कर देता हूँ। मतलब क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ? बिकॉज मेरी लाइफ का एक और पर्पज भी है। जो चीज़ें मुझे नहीं मिली है मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, वो मुझे इंडिया के हर एक कोने कोने तक पहुँचानी है। आपसे भी बदतर हालत में था मैं, ना खाने के पैसे थे ना बुक्स लाने के, ऊपर से गाँव की गवर्नमेंट स्कूल के बैक बेंचर छात्र थे हम, एंड वो चीज़ें इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स अभी भी फेस कर रहे हैं। एंड मुझे जो चीज़ें मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं पता थी या फिर जो चीज़ें ठोकरें खा के इतने साल में सीखी है, वो इंडिया के वो सारे बच्चों तक पहुंचानी है, एंड इसीलिए ही ये मिशन चला रहा हूं मैं भैया। सब्सक्राइब करके मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हो तो भारी नुकसान कर रहे हो अपने आप पे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का सेट दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महीने में सिर्फ हाफ एन आवर का कंटेंट डालता हूं, लेकिन यूट्यूब के क्रिंज कंटेंट से लाखों गुना ज्यादा बेटर है। सो यूट्यूब खोलो भी तो भी ऐसे काम के वीडियोस देख के बंद कर लिया करो, एंड इवन लास्ट के एक मंथ में तो यूट्यूब खोलने की जरूरत ही नहीं है, बहुत वीडियोस देख लिए भैया पूरे साल। अब कोई जादू मंत्र से करिश्मा नहीं हो जाएगा किसी का वीडियो देखने से। आई नो आपको यूट्यूब से भगाने में मेरा ही नुकसान हो रहा है, ना आप यूट्यूब पे आओगे ना मेरे वीडियोस पे व्यूज आएंगे, ना ही मेरे वीडियोस पे कमेंट आएंगे, एंड सो ओवरऑल चैनल का रिस्पांस रेट कम हो जाएगा एंड सो चैनल का ग्रोथ डाउन हो जाएगा। बट फिर भी मैं कहूँगा कि मत आओ यूट्यूब पे एटलीस्ट ये एक मंथ, क्योंकि मेरे नुकसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपका रैंक आएगा तो आप लाइफ टाइम मुझे याद रखोगे कि नहीं दर्शन भैया ने हमारी लाइफ सेव करने में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्यों बर्बाद कर रहे हो भैया अपने अभी तक की पढ़ाई? किसी भी लेवल पे हो शायद प्रिपरेशन इतनी अच्छी ना भी हो, रैंक अच्छा ना भी आता हो, लेकिन ये लास्ट के एक मंथ में आप अपना रैंक डबल से भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। हाँ, उस रैंक पे शायद आपको सीट फिर भी ना मिले, बट एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस एंड मेंटल बूस्टअप हो जाएगा जो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जितना लेवल है उतना तो एटलीस्ट आप एग्जाम में परफॉर्म करके आओगे, वरना होता क्या है कि आप स्ट्रेस में टेंशन में आ जाते हो एंड लास्ट में आपका जितना लेवल है आपको जितना आता है उतना भी आप परफॉर्म करके नहीं आ पाते हो। ये लास्ट एक मंथ में अपने बॉडी एंड माइंड को एग्जाम के लिए अडॉप्ट करना पड़ता है भैया, अपने चारों तरफ एक ओरा बनाना पड़ता है जिससे एग्जाम के दिन वो 2 से 5 के 3 घंटे में आपका ब्रेन सबसे ज्यादा फोकस्ड रहे एंड दुनिया के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स एंड एनर्जीज आपके फेवर में आ जाए, एंड कितना भी खराब पेपर जाए आपका रैंक फाइनल हो जाए। मेरा जिपमेर का पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि मेरे हाफ से भी कम मार्क्स थे, फिर भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 आया था। वो इसलिए क्योंकि वो पूरा साल एंड मोर इम्पोर्टेंटली लास्ट के एक मंथ में मैंने अपने पूरे बॉडी एंड माइंड को ऑल इंडिया रैंक 1 के गोल के लिए डुबा दिया था। मतलब सारे सोशल मीडियाज, फ्रेंड्स, फैमिली फंक्शन सब कुछ बंद करके बस एक कमरे में बंद हो गया था जहाँ पे बस 2 टाइम का खाना आ जाता था, बाकी रात दिन बस पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। कोई भी बच्चा जन्म से टॉपर या एवरेज नहीं होता है, इनबॉर्न टैलेंट किसी के भी पास नहीं होता है, रगड़ना पड़ता है भैया, पसीना बहाना पड़ता है, आंखों से खून आ जाए उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। हालात बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है भैया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हालात बदलने चले थे, हालातों ने ही आपको बदल दिया, दुनिया बदलने चले थे, दुनिया ने ही आपको बदल दिया, एंड 99% चांस है कि दुनिया आपको खराब तरीके में ही बदलेगी। कुछ अच्छा मांगने जाओगे तो बोलेंगे 1% चांस है दुनिया में कोई भला भला इंसान होगा जो आपका दिल से अच्छा चाहता होगा, वो कुछ अच्छा दे जाए जैसे मैं। बड़ा हरामी हो बेटा। यस, 1% में ही हूँ मैं भैया, इतना टाइम एंड केयर दुनिया का कोई इंसान आपके पीछे नहीं देगा भैया। सब्सक्राइब कर देना, कोई पैसा नहीं है उसका, कि लास्ट टाइम नीट के टाइम पे मैंने और 1-2 मोटिवेशनल वीडियोस बनाए थे, अगर अभी भी मोटिवेशन की कमी है तो देख लेना यहाँ पे आ जाएंगे। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।